हेलो गाइस, आज आप लोग के लिए एक बिल्कुल नया डिज़ाइन तोरण लेके आए हैं। तो आप लोग इस तोरण को ज़रूर बनाना सीखे, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल नया डिज़ाइन है। तो जल्दी से बनाना सीखे। पहले ये क्रोशिया हम ले लेते हैं, ठीक है। ये क्रोशिया ले लेते हैं गाइस। उसके बाद हमें एक ऊन की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए फ्रेंड, पहले हम ये क्रोशिया ले लेंगे, उसके बाद हमें ऊन की ज़रूरत पड़ेगी। जो हमने ऊन ले ली है, ये हमारा ऊन है वाइट कलर का, ठीक है। हम ये तोरण वाइट कलर में ही बनाएंगे, क्योंकि वाइट कलर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा दिखता है। इसीलिए हम पहले वाइट कलर का ही ये तोरण बनाएंगे। फिर जो हम झालर देंगे दोस्तों, तो वो झालर में हम कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, जैसे पिंक हो गया, या फिर कोई भी कलर ऐड हो करें कर लेंगे, ठीक है ना। तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो सुंदर दिखेगा। ये देखिए, पहले हम तीन चैन ले चुके हैं, ठीक है ना। ये हम तीन चैन ले चुके हैं, इसी में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया, ये भी हमारा गिनती में आएगी। एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, ठीक है। ये तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, और ये लास्ट पाँच डबल क्रोशिया। हाँ गैस, हमें पांच ही डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। पांच डबल क्रोशिया के बाद हमें इसको छोड़ देना है, ठीक है। जो ये लास्ट वाला चैन है ना, उसी में हमें क्रोशिया डालना है और इस धागे को ऐसे करके निकाल देना है, ठीक है। तो इस तरह से सेफ आएगा बन के। फिर एक चैन, दो चैन, तीन चैन, तीन चैन लेंगे। उसके बाद हमें फिर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चार है डबल क्रोशिया, तो हमें दो डबल क्रोशिया में डालना है, ठीक है। दो इधर, दो इधर, दो डबल क्रोशिया में फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा दो डबल क्रोशिया हो गया, ये हमारा तीन डबल क्रोशिया हो गया, ये हमारा चार डबल क्रोशिया हो गया, और ये हमारा पांच डबल क्रोशिया हो गया। ये पांच डबल क्रोशिया हमारा हो गया, ठीक है। फिर इस लास्ट वाले चैन में ले कर इस क्रोशिया को ऐसे फंसाना है, ठीक है। इस तरह से डिज़ाइन बनेगा, देख लीजिए फ्रेंड। एक चैन, दो चैन, तीन चैन, ठीक है। इसी तरह से हमें बनाने जाना है, ठीक है। एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड, ये हमारा पांच डबल क्रोशिया बनके तैयार हो चुका है। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच। उसके बाद हमें सिर्फ चैन बनानी है। हमें चैन कितनी बनानी है, तो हमें चैन बनानी है 30 चैन। ये फर्स्ट है, इसलिए हमें 30 चैन बनानी होगी। और जब वापस हम लोग लौटेंगे, उस समय हमें सिर्फ 15 चैन बनानी होगी, ठीक है। तो ये हम 30 चैन बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया चार चैन, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, दस हो गया। ये देखिए फ्रेंड, ये 30 चैन हम लोग का बन चुका है। तो हम लोग अब इस चैन को किस जगह डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो हमें जो ये है, यहाँ तक हमारा बन चुका है डबल क्रोशिया। तो जो ये है एक, दो, ये दो स्लिप हमें छोड़ना होगा। फिर हमें तीसरे स्लिप में हमें डबल क्रोशिया बनाना होगा, ठीक है। इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना होगा, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, पांच डबल क्रोशिया, पांच डबल क्रोशिया। हमें वही प्रोसेस फिर से दोहराना है। तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से हमें बनानी होगी, ठीक है। पूरी लाइन हमें पूरी बॉर्डर में ही, पूरी बॉर्डर में ही हमें यही प्रोसेस बनाना है गाइस। पूरी बॉर्डर में हमें इसी तरह से बनाते जाना है। फिर वापस आएंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए हम बना के आप लोग को दिखाते हैं कैसे दिखता है। देखिए फ्रेंड, हम इतना बना चुके हैं। ये देखिए, हम इतना बना चुके हैं। ये फर्स्ट लाइन आप लोग को दिखाए थे। और जब हम वापस आएंगे तो हमें इस तरह से बनाना होगा, ठीक है। ये हमारा 30 चैन है और ये हमारा 15 चैन है। ये जो 15 चैन होता है, तो 15 चैन के बाद हमें ये डबल क्रोशिया बनाना होता है। उसके बाद फिर से हमें इधर 15 चैन देनी होती है। तो ठीक है, ये दोनों मिला के हमारी 30 चैन होती है, ठीक है ना। तो ये देखिए, हम यहाँ बना के आप लोग को बता देते हैं। ये एक मिनट,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, पंद्रह चैन हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लास्ट वाला प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को इस तरह से दिखाएंगे, ये दो है डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, फिर ये चार डबल क्रोशिया, पांच डबल क्रोशिया। पांच डबल क्रोशिया के बाद हमें फिर से वही प्रोसेस करनी है जो हम लोग पहले किए थे। ठीक है, वही डिज़ाइन हमें बनानी होगी। ये हमारा लास्ट हो गया, ये हाफ़ बर्फी का कट आया है इस डिज़ाइन में, और जो ये डिज़ाइन है इसमें हमारा फुल बर्फी बनेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखिएगा तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो जो होती है उसे आप लोग पूरा देखें, आपको समझ में आ जाएगी किस तरह से डिज़ाइन बनाई जाती है। छः चैन, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, पंद्रह के बाद हम लोग फिर यहाँ पे आएंगे इस वाले डिज़ाइन में। वो हमारा हाफ बर्फी कट था, ये हमारा फुल बनेगा। ठीक है ना, तो इसे हम लोग अब बनाएंगे। पांच डबल क्रोशिया यहाँ पे भर लेंगे, उसके बाद ही ये हमारा बनके तैयार होगा। तो चलिए, इसे बनाना बहुत ही आसान है। मैं फिर से बताऊंगी किस तरह से ये डिज़ाइन दिखा आपको, मैं बताऊंगी यहाँ पे, दिखाऊंगी समझाऊंगी किस तरह से बना, कितनी आसानी के साथ बना है, पर फिर भी बहुत ही सुंदर और दिखने में ऐसे लगता है जैसे बहुत ही मुश्किल बहुत ही हार्ड है, पर ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ बनाएंगे तो वो हमें बहुत ही आसान लगती है, पर देखने में हमें बहुत ही मुश्किल बहुत ही हार्ड वर्क लगता है, पर ऐसे है नहीं। ठीक है, आप लोग को सिर्फ क्रोशिया चलाना आना चाहिए और कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है। ठीक है, इसमें सारा कुछ दिमाग का खेल होता है फ्रेंड, आप लोग चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं, पर सिर्फ आप लोग को सोच होना चाहिए कि हम लोग को बनाना है। ठीक है, तीन चैन लेने के बाद ही ये डबल क्रोशिया हम लोग बनाएंगे। ठीक है, देख लीजिए, हम देख लीजिए इस तरह से हमारी बनके तैयार होगी। ये कितनी सुंदर बनी है आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, देख लीजिए इस तरह से बनके तैयार होगी। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल में आ जाइएगा। आप लोग को बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन देखने को मिलेगा और सीखने में भी आसानी होगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।